हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उन्नाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जिले की दो तहसील क्षेत्रों के चार प्रमुख सड़कों की चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। 70 किमी लंबे इन मार्गों के निर्माण पर 1,22,00,00,000 रुपए खर्च होंगे। 3 तहसीलों के 15 लाख आबादी को इससे लाभ मिलेगा। लोगों को तहसील और जिला मुख्यालय के सफर में आसानी होगी। डीएम रविंद्र कुमार के आदेश पर लोक निर्माण विभाग ने 24 किलोमीटर लंबे पूर्वा अचलगंज मार्ग, 10.5 किलोमीटर लंबे असोहा बनी, 20 किलोमीटर लंबे मोहान और आस मार्ग, 15.5 किलोमीटर लंबे हसनगंज रसूलाबाद मार्ग की चौड़ाई 3.5 मीटर से 7.5 मीटर करने की योजना बनाकर शासन को भेजी थी। शासन ने इन चारों सड़क मार्गों की कार्य योजना को मंजूरी दे दी है। अचलगंज पूर्वा मार्ग के लिए 60 लाख और असोहा बनी संपर्क मार्ग के लिए 70 लाख रुपए की पहली किस्त जारी हो गई है। पीडब्ल्यूडी के अधीक्षक अभियंता मनीलाल ने बताया, पूर्वा अचलगंज मार्ग के चौड़ीकरण और उच्चीकरण पर 49,30,24,000 रुपए, असोहा बनी मार्ग पर 22,54,40,000 रुपए, हसनगंज रसूलाबाद मार्ग पर 16 करोड़ और मोहान और आस मार्ग पर 35 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मार्ग डबल लेन बनने से वाहनों के आवागमन में सुगमता के साथ क्षेत्र का भी विकास होगा। असोहा बनी मार्ग बनने से असोहा और पूर्वा ब्लॉक के लोगों को लखनऊ पहुंचना आसान होगा। यह मार्ग लखनऊ जिले में कठीबगिया के पास जुड़ेगा। अभी तक यह मार्ग संकरा होने पर आवागमन करने में मुश्किल होती है। पूर्वा अचलगंज मार्ग बनने से अचलगंज पूर्वा और बिछिया ब्लॉक के लोगों को राहत मिलेगी। इस ब्लॉक के क्षेत्र के लोगों को उन्नाव रायबरेली हाईवे से संपर्क और जिला मुख्यालय पहुंचने में आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव, यू न्यूज़।